नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू में जहां 2G स्पीड के साथ इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है, तो वहीं कश्मीर के श्रीनगर के राजबाग क्षेत्र में लैंडलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने में वक्त लग सकता है। इसके साथ ही किश्तवाड़ में आज पूरे दिन के लिए धारा 144 में ढील दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज शनिवार को 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर भूटान के पीएम लोटे शेरिंग भी पहुंचे। इस दौरे में भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। उनसे मिलने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज एम्स पहुंचे। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उनसे मिलने पहुंची हैं। शुक्रवार को देर रात गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे मिलने पहुंचे थे। अरुण जेटली को 9 अगस्त को तबीयत खराब होने के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री और अयोग्य करार दिए गए विधायक कपिल मिश्रा आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही आप महिला विंग की चीफ रेचा पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पहलू खान मामले की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने SIT का गठन कर दिया है। राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि SIT पूरे मामले की जांच करेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की आज वित्त मंत्रालय के 5 सचिवों समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें दौलतमंद आयकरदाताओं पर सरचार्ज से लेकर ऑटो और रियल एस्टेट क्षेत्र की सुस्ती को दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पीएमओ के प्रधान सचिव नरेंद्र मिश्रा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कुष्ठ रोगियों के उपचार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संघर्षरत रहे पद्मश्री दामोदर गणेश बापट का शुक्रवार देर रात 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। देश के कई राज्य भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। जहां पहाड़ी राज्य में बारिश और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं केरल में बाढ़ की वजह से अब तक कुल 113 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल 29 लोग लापता हैं। फिल्म मिशन मंगल की शानदार कमाई जारी है। दूसरे दिन फिल्म ने 17.28 करोड़ रुपए की कमाई की है। इससे पहले फिल्म ने 29.16 करोड़ रुपए से ओपनिंग की थी, जो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है। जॉन की बाटला हाउस ने भी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनाई हुई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन जहां 14.59 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तो दूसरे दिन कमाए लगभग 13 करोड़ रुपए। इसके साथ ही इसका कुल कलेक्शन 27 करोड़ रुपए हो गया है। क्रिकेट सलाहकार समिति के प्रमुख कपिल देव ने कहा कि रवि शास्त्री का टीम इंडिया का हेड कोच बनने के पीछे विराट कोहली की पसंद का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विराट कोहली से कोई राय नहीं ली गई है, क्योंकि अगर उनसे राय लेते तो पूरी टीम की राय लेनी पड़ती। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।